अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रुखसाना के किचन में स्वागत है आप लोगों का। आज की हमारी रेसिपी है खजूर का रोल। जैसे कि आप सभी को पता है कि फेस्टिवल आ रहे हैं तो उसमें अच्छी अच्छी रेसिपी बनानी चाहिए, स्वीट डिश जैसे कि। तो ये मैंने ले ली हूँ खजूर, आधा किलो खजूर है ये मैंने काजू ले ली हूँ 50 ग्राम के इतने, 25 ग्राम के इतने पिस्ता है। इसको मैंने इस तरीके से सब चीज़ों को मैंने मोटा मोटा काटी हूँ। और ये बादाम है ये भी 50 ग्राम के इतने हैं, इनको भी मैंने मोटा मोटा कट कर ली हूँ। ये मैंने पम्पकिन सीड ले ली हूँ 25 ग्राम के करीब है ये। आपके पास जो है आप वो डाल सकते हैं इसके अंदर, ज़रूरी नहीं है आप ये वाला डालिए। और ये 3 टेबल स्पून खसखस ली हूँ, खसखस तो इसमें मेन है, ये भी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको दरदरा सा पीस के लेके आ जाऊँगी मिक्सी की जार में डाल के। इसमें पानी डाल के नहीं पीसना है, सिर्फ इसे हमें घुमा घुमा के स्लो में पीस लेना है। खजूर को हम पीस के लेके आ गए, देखिए इस तरीके से। थोड़ा सा मोटा भी रहेगा तो चलेगा, वो कढ़ाई में जब इसको भूनेंगे हम घी के साथ में तो वो मेल्ट हो जाएगा, तो इस बात का टेंशन नहीं लेना। मिक्सर पूरा नहीं हो रहा है तो ये हो जाएगा। कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दी थी। अब इसके अंदर हम खसखस को ड्राई रोस्ट करेंगे, घी नहीं डालना है कुछ भी नहीं, सिर्फ इसको इस तरीके से हमें भून लेना है। स्लो आंच पे करेंगे, एकदम जल जाती है खसखस, ध्यान रखना। खसखस अच्छे से भून गई, देखिए बिल्कुल ऐसी ड्राई एकदम अच्छी सी हो गई है, खुशबू आने लगी है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब कढ़ाई में मैं घी डालूंगी, देसी घी ले रही हूँ मैंने, थोड़ा सा लगेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सब ड्राई फ्रूट को हमें रोस्ट कर रहा है, ऐसे करारे हो जाएंगे ना तो वो अच्छे लगेंगे। सभी ड्राई फ्रूट को अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, आप लोग जरूर बना के इसको ट्राई करना। फेस्टिवल आ रहे हैं सब, देखिए आप इस तरह की रेसिपी बना के घर वालों को खुश कीजिएगा। और एक शुगर फ्री, एक तो सबसे बड़ी बात है ये, देखिए आप इसको डायबिटीज़ का पेशेंट भी आराम से खा सकता है और इतना हेल्दी है बहुत ही ज़्यादा। अब इसे हम करारा करने तक का रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट अच्छे से भून चुके हैं, बीच की भी चटचट आवाज आने लगी है, अब निकाल लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना हमें, गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसको भी हम निकाल लेंगे। दो टेबल स्पून घी और ले ली हूँ मैंने। अब इसको हम खजूर को इसमें अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से हमें इसमें पका लेना है खजूर को। ऐसे पकड़ के अच्छे से भून लेंगे और ये देसी घी में बनाएंगे ना और अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने भी देसी घी ली हूँ, ताकतवर भी है, देखो कितनी। ये अभी अभी हार्ड हो रही है ना, अभी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी ये, अच्छे से इसमें भूनेंगे ना घी में तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। अभी 1 से 2 मिनट लगेगा इसको सॉफ्ट होने में। ये देखो सॉफ्ट हो गया है और एकदम मेल्ट जैसा लग रहा है ना, ये ऐसे चाहिए। तो हमें अच्छे से भून चुका है ये, अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट मिला लेंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे। यही मार्केट से लेने जाओ कितना महंगी मिलती है, 1200-1300 रुपए किलो मिलता है ये। अच्छे से मिक्स हो गया है, 2 मिनट हो गए सबको मिलाते हुए। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको हम ठंडा होने देंगे। थोड़ी सी खसखस में मिक्स करेंगे,
और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये ठंडा हो चुका है तो इसको हाथ की मदद से हम मिला सकते हैं। कितना बढ़िया सा बन गया ना रोल, देखिए गोल। अगर आप चाहिए तो इसको लड्डू के शेप में भी बना सकते हैं, गोल रोल नहीं बनाना है आपको, जिस शेप में आप इसको रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से बना सकते हैं। देखो बढ़िया सा रोल बन के रेडी हो गया है, कितना परफेक्ट बना है ना। इसी हिसाब से मैंने बना ली हूँ। अब मैं इसको थोड़ा गार्निश करेंगे। अब हमने जो खसखस बचा के रखे थे वो गार्निश के लिए, तो प्लेट में इस तरीके से फैला लेंगे। और हम रोल करते चले जाएंगे। देख कितना खूबसूरत लग रहा है ना। रोल बन के रेडी हो गया, देखिए। अब इसको मैं 5 मिनट के बाद में कट करूंगी, जब तक का ये अच्छे से सेट हो जाएगा। 5 मिनट हो गए, अब रोल को हम कट करते हैं। बिस्मिल्लाह, आपको जिस साइज का चाहिए आप उस हिसाब से कट कर सकते हैं। देखिए इसी तरीके से मैं सब रोल को कट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, खजूर रोल बन के रेडी हो गया। आप लोगों ने देखा हमने किस तरीके से बनाया, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।